नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों से भिड़ना अब चीन की सेना को भारी पड़ने वाला है। तवांग की घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स एक्शन में है। इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल यानी ईस्टर्न मोर्चे पर दो बड़े युद्धाभ्यास करने का फैसला लिया है। इंडियन एयरफोर्स की पहली एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि 20 दिसंबर से दूसरी एक्सरसाइज शुरू होगी। एयरफोर्स की ओर से एक्सरसाइज करने का ये फैसला ऐसे वक्त किया गया है जब तवांग मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी के अलावा आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एक्सरसाइज करेगी। एक्सरसाइज 15 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे से 16 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। भारतीय वायुसेना दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर सुबह 9 बजे से 23 दिसंबर शाम 4 बजे तक चलेगी। इस एक्सरसाइज में SU-30 राफेल और तेजस भी शामिल होंगे। सेना मिसाइल, हेलीकॉप्टर और नेवल एयर एलिमेंट के साथ एक्सरसाइज करेगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पिछले महीने ही जोधपुर में फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज की थी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को उतारा था। ऐसे में जाहिर है कि भारतीय वायुसेना के हौसले बुलंद हैं और वो चीन को कभी भी कड़ा जवाब दे सकती है। बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की विवादित जगह तवांग सेक्टर के यातसंगे में भारतीय गश्ती दल और चीनी गश्ती दल पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों देशों की सेनाएं सामने आ गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए। कुछ ही मिनटों के अंदर झड़प बढ़ गई। दोनों सेनाओं ने अतिरिक्त सैन्य सहायता मंगाई। लगभग 250 सैनिक चीनी की तरफ से आए और लगभग 200 सैनिक भारतीय पक्ष की ओर से आ गए। लड़ाई बढ़ी तो दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी यानी कमांडिंग ऑफिसर मैदान में कूदे, घायलों को वहां से हटाया और माहौल शांत करने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।